खबर है महाराष्ट्र के कल्याण इलाके की, जहां उत्तर महाराष्ट्र खानदेश विकास मंडल की तरफ से भव्य ग्लोबल खानदेश महोत्सव का आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि मंडल के अध्यक्ष विकास पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्लोबल खानदेव महोत्सव के आयोजन की जानकारी दी है। विकास पाटिल ने कहा कि उत्तरी महाराष्ट्र खानदेश की संस्कृति और परंपरा की विकास के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाना है। मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कल्याण पश्चिम में स्थित मुंबई विद्यापीठ के उपकेंद्र के पास वाले मैदान में 28 अप्रैल से 1 मई के बीच इस भव्य खानदेव महोत्सव का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव में महाराष्ट्र के खानदेश क्षेत्र की खान पान, भाषा, संस्कृति और परंपरा को दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। कल्याण इलाके में आयोजित होने वाले इस भव्य महोत्सव में फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियां शामिल होंगी। खानदेश महोत्सव 4 दिन का है, 28 अप्रैल से चालू होगा, 1 मई तक चलेगा। 4 दिन में बहुत सारे मान्यवर इसमें आने वाले हैं, स्टेट के सीएम से लेकर सब यहाँ पे लोकल स्थानीय जो विधायक है ये सब उसमें सम्मिलित हो गए। वैसे ही हमारे जो खानदेशी बांधव है वो मुंबई से लेकर करजत कसारा तक, वहाँ पे मुंबई से लेकर डहाणू तक ये सब सम्मिलित हो गए। उसके साथ साथ उन खाली खानदेशी ही नहीं तो उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, महाराष्ट्र में के सब प्रदेश के लोग यहाँ में सम्मिलित होते हैं, अपना जो स्पेशल खानदेश फूड है इसका आस्वाद लेके एंजॉय करते हैं चारों दिन। इस महोत्सव का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारा जो फार्मर है, हमारा जो किसान है वो आत्मनिर्भर हो, वो उसको अपने जो पकाता है, अपना जो अनाज निकालता है उसका उसको खुद को अपना मूल्य कर सके, ये इसके पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट है।